नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इन ट्विज़र्स ऑटोमोबाइल्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे रिसेंटली लॉन्च किए गए कॉन्सेप्ट को, जो कि टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है ऑटो एक्सपो 2018 के अंदर, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है H5X। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों H5X 2019 के फर्स्ट हाफ में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इस गाड़ी के बारे में जानना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कि SUV खरीदने का मन बना रहे हैं और SUVs के बारे में इन जनरल जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इसके जो फीचर्स रिवील टाटा ने ऑलरेडी कर दिए हैं उनके बारे में बात करेंगे और इस गाड़ी को समझेंगे कि इस गाड़ी के बारे में इतनी हाइप और इतनी न्यूज क्यों है। टाटा मोटर ने कुछ समय पहले एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया और वो फैसला ये था कि वो अब से जो भी गाड़ियां बनाएंगे उनका डिजाइन इम्पैक्टफुल होगा, और इसी के अंतर्गत जो इम्पैक्ट डिजाइन फिलॉसफी थी टाटा मोटर्स की वो रिलीज करी गई। इम्पैक्ट फिट डिजाइन फिलॉसफी के अंदर हम ऑलरेडी टियागो, टिगोर, हेक्सा और नेक्सन जैसे व्हीकल्स को हमारे इंडियन रोड्स के ऊपर चलते हुए देख चुके हैं। इसी फिलॉसफी का सेकंड पार्ट इम्पैक्ट 2.0 भी अब लॉन्च किया जा चुका है, जिसका पहला व्हीकल होगा H5X 2019 में रिलीज होने वाला। इसकी झलक जो हमने पहली बार देखी ऑटो एक्सपो के अंदर, तो पहली झलक में ही इसने दिल को जीत लिया। बहुत ही शानदार और रगेड और मस्कुलिन डिजाइन था इस गाड़ी का और एक प्रीमियम फील भी दे रहा था, और दे भी क्यों ना, क्योंकि ये बेस्ड है जगुआर लैंड रोवर के डिस्कवरी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक प्रीमियम गाड़ी का प्लेटफॉर्म इस गाड़ी के अंदर यूज किया जा रहा है। तो जिन लोगों को 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की गाड़ी महंगी लगती थी, उन लोगों को एक कम बजट के अंदर उतनी ही शानदार लुकिंग गाड़ी यूज करने को मिलेगी इस गाड़ी के थ्रू। ये कार 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ही वर्जन्स में अवेलेबल होगी। इसके अंदर जीप कंपास का 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन यूज किया जाएगा, जो ऑलरेडी काफी तारीफ बटोर चुका है। साथ ही साथ इसमें 140 bhp की पावर और 320 nm की टॉर्क होगी 5 सीटर के अंदर, और अराउंड 170 bhp की पावर होने वाली है 7 सीटर वेरियंट जो इसका आएगा उसके अंदर। गाड़ी के लुक्स को लेके यूनैनिमसली थ्रू आउट द इंडस्ट्री हर कोई तारीफ ही कर रहा था ऑटो एक्सपो के अंदर। इसके सामने का ग्रिल बहुत ही दमदार लग रहा था, और खासकर मुझे अच्छा लगा इसका सामने का स्किड प्लेट, जो गाड़ी को एक बहुत ही ज्यादा मस्कुलिन लुक दे रहा था। अगर गाड़ी के पीछे की बात करते हैं तो इसका जो फ्लोटिंग रूफ है और जो कि पीछे की तरफ कूपे की तरह बनता जाता है, बड़ा ही स्टाइलिश था। इनफैक्ट लेम्बोर्गिनी गाड़ियों के अंदर पीछे का ऐसा लुक देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही इंप्रेसिव स्टाइल था। इसके पीछे की जो लाइट्स है रैप अराउंड जो आपस में जुड़ रही थी, अगेन बहुत ही सुपर्ब डिजाइन की फील दे रही थी। गाड़ी के ओवरऑल लुक्स को और ज्यादा एनहेंस कर रहे थे इसके प्रोनाउंस्ड व्हील आर्चेस, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर 22 इंच के व्हील्स लगे हुए हैं जो कि गाड़ी को बहुत ही उठा हुआ और रोबस्ट फील दे रहे थे। इस गाड़ी के अंदर खास बात यह है कि ये BS6 एमिशन नॉर्म्स को कंप्लायंट होगी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ अगर इसको मूव करना चाहे, इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म दिस व्हीकल टू एन इलेक्ट्रिक वर्जन, वो भी इसके अंदर आपको फैसिलिटी मिल सकती है, मतलब ये उसके लिए भी रेडी होगी। इस गाड़ी के डिजाइन के बारे में जितनी बात करी जाए वो कम है, छोटी छोटी चीजें बड़ा बड़ा इंपैक्ट डाल रही है। जैसे गाड़ी के सामने के फॉग लैंप्स, जो फ्रंट फॉग लैंप्स है उनके ऊपर जो ट्राई एरो डिजाइन है पहले किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिला है। दोस्तों टाटा ही एक ऐसी कंपनी है जो कि एक छोटी पैसेंजर कार से लेके बड़े बड़े हैवी ड्यूटी ट्रक्स भी बनाती है, तो ये एक ऐसी गाड़ी है इसके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। अब उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा इंप्रूव करना शुरू कर दिया है और एक कस्टमर को बेटर मोबिलिटी सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज अ कमेंडेबल जॉब। दोस्तों नेक्सन जब 2016 में लॉन्च करी गई थी ऑटो एक्सपो के अंदर, उसका जो कॉन्सेप्ट व्हीकल था वो एक्चुअल व्हीकल से काफी मैच करता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। आई होप कि H5X भी जैसा कि इन्होंने कॉन्सेप्ट व्हीकल लॉन्च किया है वो एक्चुअल व्हीकल से मैच करता रहे, तो टाटा को इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर एक अच्छी पकड़ बनाने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। इस सेगमेंट के अंदर इसका कंपटीशन प्राइमरी रहेगा जीप कंपास या क्रेटा या XUV500 जैसी गाड़ियों के साथ, लेकिन अगर इस पावर, इस पेडिग्री,
इस प्लेटफॉर्म और इस डिजाइन के साथ इस गाड़ी को लॉन्च किया गया तो ये डेफिनेटली लोगों का दिल जीतेगी और टाटा को एक बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा अपनी ओवरऑल सेल्स के अंदर। बहुत सारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर टाटा JLR के प्लेटफॉर्म से उठा रही है, JLR के कार्स में से उठा रही है। इसका 6-speed मैनुअल और 9-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी हमें JLR के हायर वेरिएंट्स में देखने को मिलता है और वो ही रिफाइनमेंट अगर हमें इस सेगमेंट में देखने को मिला तो मजा आ जाएगा। दोस्तों, इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको ये गाड़ी देखने में कैसे लगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है वो जरूर से कमेंट करके मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियो में और इन्फॉर्मेशन ऑटो एक्सपो 2018 और रीसेंट लॉन्चेस के बारे में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।